morning, student. In this video, I am explaining you tenses in simple present tense. So, there are main three tense: present, past, and future. So, present का जो first है type वो है simple present tense. जो simple present tense है हमारा, उसका जो structure होता है, उसमें subject होता है. Subject के बाद first form of the verb हम use करते हैं. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो असर्टिव है, असर्टिव मीन्स जो सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है उसका ये स्ट्रक्चर है. सेकेंड हमारा है नेगेटिव. जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट. डज हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और डू भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. मीन्स इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो हमारे प्रोनाउंस है ही शी इट या कोई नेम है उनके साथ हम डज नॉट यूज करेंगे. और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारा वी यू दे प्रोनाउन है उनके साथ हम डू नॉट यूज करेंगे. और डू और डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा. देखो बेटा, सिंपल सब सेंटेंस में मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस है ही शी इट और कोई नेम है तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस और ई एस एड कर देंगे. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. राम प्लेज फुटबॉल. राम एंड मोहित प्ले फुटबॉल. राम हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लेज लगाया, प्ले के साथ एस एड करके. सेकेंड सेंटेंस में हमारा राम और मोहित ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि दो नाउन हो गए तो यहाँ पर हमने प्ले वर्ब यूज किया. मीन्स हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस एड नहीं किया. सेम सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा? राम डज नॉट, डज नॉट हमने एड किया राम के अकॉर्डिंग. राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज हमने यूज किया डज नॉट. और प्ले में जो हमारा एस था वो हमने रिमूव किया क्योंकि डज कोई वर्ड नहीं है. जब हम डू में ईएस एड कर देते हैं देन इट विल बिकम डज. सो डज नॉट प्ले फुटबॉल. राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है, टू नाउन्स है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डू नॉट. राम एंड मोहित डू नॉट प्ले फुटबॉल. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टाइप इन द सेकेंड मीन्स असर्टिव और नेगेटिव. नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव जब हम फ्रेम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है डू और डज, डू और डज को सिर्फ हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे. रूल्स सेम है कि सिंगुलर के साथ हम डज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू यूज करेंगे. बट इनका जो राइट करने का मीन्स इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में ओनली वो चेंज हो जाती है कि डू और डज हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी दिस एग्जांपल. इसी को ही हम चेंज कर देते हैं बेटा इंटेरोगेटिव में. राम, राम से पहले हमने यूज किया यहाँ पर जो हमारा डज हमने पीछे लगाया था आगे. डज राम प्ले फुटबॉल एंड यू हैव टू पुट इंटेरोगेशन मार्क क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क अगर पुट नहीं किया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम होगा. सो इंटेरोगेशन मार्क आप यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. सेम इसमें देखिए डू हमने यूज किया था, इस डू को हमने पहले प्लेस कर दिया. डू राम एंड मोहित प्ले फुटबॉल. नाउ इट विल बिकम इंटेरोगेटिव. सो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल यूज
इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल यूज एंड इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में डू और डज सब्जेक्ट से पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो आपका सेंटेंस का पार्ट है वो वहां पर यूज होगा. नाउ जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म का जो नेम है वो नेम ही मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस होता है. तो यहाँ पर हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. और जो हमारा एस और ईएस यूज करने का मेथड है उसमें भी देखिए उसके लिए भी कुछ रूल्स है. सबसे फर्स्ट है कि सिंपली हम वर्ब में एस एड कर देती है. फॉर एग्जाम्पल प्ले है हमारा, तो प्ले में हमने एस एड कर दिया, प्लेज बन गया. बट अगर आपकी वर्ब्स एंड हो रही है वाई से, इफ योर वर्ब एंड विद वाई तो हम वहां पर वाई को रिमूव कर देते हैं और वहां पर आई ई एस यूज करेंगे. वाई को रिमूव करके आई ई एस. नाउ सम मोर एग्जांपल, कुछ वर्ब्स हैं आपकी जैसे गो है, गो में हम ई एस यूज करते हैं कैच. वर्ब्स दैट एंड विद सी एच, जो वर्ब्स हमारी सी एच से एंड होती है, एस एच से एंड होती है, डबल एस से एंड होती है, एक्स से एंड होती है, सी एच एस एच डबल एस और एक्स, इनसे जो वर्ब्स हमारी एंड होती है उनमें हम ई एस एड करते हैं. नाउ एक्स का एग्जाम्पल देखिए, मिक्स एम आई एक्स मिक्स, एक्स से एंड हो रहा है तो हम यहाँ पर एम आई एक्स ई एस मिक्सेस यूज करेंगे. कैच है सी ए टी सी एच कैच, सी ए टी सी एच ई एस कैचेस. सेम ऐसे ही आपका है पुश पी यू एस एच, एस एच से एंड हो रहा है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पुशेस पी यू एस एच ई एस पुशेस. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस.